कहानी की शुरुआत में आसमान से एक स्पेसशिप जैसी कोई चीज अपनी पूरी रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। स्पेसशिप अपने आप को रोक नहीं पाई और झपाक से पानी में गिर गई। थोड़े ही समय बाद उसमें से अजीब पोशाक पहने दो लोग बाहर निकले। एक इंसान दूसरे को जगाने की कोशिश कर रहा था, पर दूसरा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, क्योंकि वो पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही टैब बोल गया था। अब बचा था कैनन। उसने एक डिवाइस अपने आँखों से कनेक्ट किया। उसके ऐसा करते ही पृथ्वी का सारा डेटा उसके दिमाग में फिट हो गया। अपने साथी की विदाई करते हुए वो एक गन लेकर जंगल की ओर बढ़ा। उसकी गन बड़े ही अजीब आकार की थी, जैसे कि एलियंस की होती है। थोड़ी देर तक भटकने पर उसे एक गांव दिखा। गांव में एक घोड़ा गधों की तरह भाग रहा था। हर ओर तबाही का मंजर था। वही लकड़ी के दरवाजे पर बहुत बड़े नाखून के निशान थे। तभी वहाँ वुल्फ्रिक नाम का आदमी घोड़े पर बैठकर आया। उनके बीच छोटी सी हाथापाई हुई, जिसमें कैनन की गन पानी में गिर गई। वुल्फ्रिक ने बड़े ही चालाकी से उसे मारकर बेहोश कर दिया। अब वो उसे लकड़ी से बांधकर उसकी डोली घसीटते हुए अपने कबीले में आ गया। ये कबीला जंगल से बाहर बड़ी बड़ी दीवारों से पूरी तरह सुरक्षित था। कबीले का सरदार रोलगर अपनी बेटी फ्रेया के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था, पर फ्रेया पूरे शिद्दत से अपने बापू पर हमला कर रही थी, क्योंकि रोलगर ने उसकी शादी वुल्फ्रिक से पक्की कर दी थी, जो आगे चलकर कबीले का सरदार बनेगा। पर फ्रेया को वुल्फ्रिक कुछ खास पसंद नहीं था। थोड़े समय बाद वुल्फ्रिक वहाँ आया। वो सरदार को बताने लगा कि उसने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसने बगल वाले कबीले में तबाही मचाई थी। सरदार ने तुरंत कैनन से पूछताछ करने का आदेश दिया, ताकि वो जान सके कि कैनन ने कबीला क्यों उजाड़ दिया। हो सकता है कि उस कबीले वालों को लगे कि रोलगर ने उस कबीले को तबाह किया है। वुल्फ्रिक अपने गैंग के साथ कैनन को टॉर्चर करने लगा, पर कैनन खुद को निर्दोष बताते हुए कह रहा था कि वो कबीला उसके आने से पहले ही लूल हो चुका था। वो वहाँ मौजूद ड्रैगन की आकृति दिखाते हुए कहने लगा कि वो इसे मारने आया है, और ऐसा कहकर वो वुल्फ्रिक के लोगों की कुटाई करने लगा। बदले में सभी ने मिलकर कैनन की जमकर खातिरदारी की। वुल्फ्रिक के कहने पर फ्रेया कैनन की मलम पट्टी करने चली गई। कैनन पहले से ही अपनी रस्सी छुड़ा कर बैठा था। वो फ्रेया को बेहोश करके वहाँ से भाग गया। रात को एक अजीब से जीव ने कबीले पर हमला कर दिया। उस जीव ने हर तरफ तबाही मचा दी थी। कैनन उस जीव को देखकर उसका नाम चिल्लाया। ये था मुरवेन, जो एक चमकादड़ की शक्ल का ड्रैगन था। वो ड्रैगन अपना काम निपटाकर भाग गया। एक बार फिर से कैनन को बंदी बनाया गया। अगले दिन कैनन को सरदार के सामने पेश किया गया। उससे बीती रात वाले जीव के बारे में पूछा गया। कैनन ने बताया कि वो एक ड्रैगन था जो आग उगलता है, यही तो उसका फीचर है। कैनन बताता है कि वो और ड्रैगन दूसरे ग्रह से आए थे। कैनन की दूसरे ग्रह की बात सुनकर सब उसका मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे, ये तो क्रिस गेल से भी लंबी फेंकता है। अगले दिन आधा कबीला उस जीव की तलाश में निकल पड़ा। जंगल की एक गुफा से सैनिकों की चिल्लाने की आवाज आई। उस गुफा में एक भूखा भालू था, जिसे कैनन ने मार दिया। कबीले वाले सोच रहे थे, शायद इस भालू ने ही उस रात हमला किया होगा। उसकी मौत पर सब जश्न मनाने लगे। उनके जश्न के दौरान दूसरे कबीले का सरदार गनर अपने साथियों के साथ उन पर आक्रमण कर दिया। गनर अपनी कबीले की बर्बादी के लिए रोलगर को ही जिम्मेदार मान रहा था। दोनों कबीले के बीच लड़ाई हुई। लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा गनर लड़ाई हार गया। गनर अपने कबीले के साथ जंगल से होता हुआ वापस जा रहा था। जंगल में छिपे ड्रैगन ने उन पर हमला कर दिया। ड्रैगन से जान बचाकर गनर रोलगर के कबीले की तरफ बढ़ने लगा। वुल्फ्रिक को लगा गनर उन पर दोबारा हमला करने आया है। वुल्फ्रिक और बाकी लोग गनर और उसके साथियों पर हमला करने लगे। कैनन को जंगल में ड्रैगन नजर आ गया। उसने तुरंत ही हमला रुकवा दिया। दोनों कबीले के लोग हैरानी से ड्रैगन को ही देखे जा रहे थे। इतनी भीड़ देखकर ड्रैगन वहाँ से भाग गया। सब लोग मिलकर ड्रैगन को मारने की प्लानिंग करने लगे। कबीले के सामने एक गड्ढा खोदकर उसे तेल से भरा गया, ताकि उसमें ड्रैगन को डुबाकर मारा जा सके। रात को कैनन ने फ्रेया को अपनी दास्तान सुनाई। उसने कहा, वो किसी और ग्रह से आया है। उसी के साथ ये आफत भी आ गई थी। कैनन के ग्रहवासी दूसरे ग्रहों पर कब्जा करते थे। एक बार उन्होंने ड्रैगन्स के ग्रह को जलाकर वहाँ पर इंसानों की बस्ती बसाई, पर उस ग्रह के सारे ड्रैगन्स नहीं मरे थे। बचे हुए ड्रैगन्स ने इंसानों का खात्मा करना शुरू कर दिया। इनमें कैनन की पत्नी और बच्चा भी मारा गया। कैनन और उसका साथी जान बचाकर पृथ्वी पर आए थे। कैनन के बीवी बच्चों के बारे में जानकर फ्रेया को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी पुश्तैनी तलवार कैनन को दी। कैनन और वुल्फ्रिक जंगल की ओर बढ़ने लगे। गौर से देखने पर उन्हें पता चला ड्रैगन उन्हीं की ओर देख रहा था। वो ड्रैगन को अपने पीछे लगाकर कबीले में आ गए। प्लान के मुताबिक ड्रैगन उस तेल के गड्ढे में गिर गया। ड्रैगन की चपेट में आकर वुल्फ्रिक भी गड्ढे में गिर गया था। कैनन ने वुल्फ्रिक को जैसे तैसे बाहर निकाला। जलते हुए तीरों से गड्ढे में आग लगाई गई, पर आग का ड्रैगन पर कुछ खास असर नहीं हुआ। वो उस खोलते हुए आग से बाहर आ गया।
पर ये ड्रैगन अकेला नहीं था। जंगल की दूसरी ओर एक और ड्रैगन मुंह फाड़ रहा था। दूसरा ड्रैगन भी लोगों पर हमला करने लगा। बहादुर फ्रेया ड्रैगन से लड़ने चली गई, पर ड्रैगन उस पर बुरी तरह चपट पड़ा। अपनी बेटी को बचाने के लिए रोलगर आगे बढ़ा। वहीं पर पहले वाले ड्रैगन ने भी आतंक मचा रखा था। उससे लड़ते वक्त कैनन की तलवार ही टूट गई, जो फ्रेया की पुश्तैनी तलवार थी। ड्रैगन बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उसने अपनी पूंछ की एक ही झटके में गनर की गर्दन धड़ से अलग कर दी। दूसरी तरफ दूसरे ड्रैगन ने भी रोलगर को मार दिया था। रोलगर के मौत के बाद उल्फ्रिक कबीले का सरदार बन गया। ड्रैगन से डरकर लोग कबीला छोड़कर जाने लगे। अब वहाँ सिर्फ कैनन, उल्फ्रिक और एक लोहार ही बचा था। ये तीनों ड्रैगन को मारने की सोच ही रहे थे, तभी कैनन ने उन्हें कहा, ड्रैगन गेंडे की चमड़ी से बना है, इसे मारने के लिए मजबूत लोहा चाहिए, बिल्कुल टाटा स्टील की तरह। मेरी स्पेसशिप भी मजबूत लोहे से बनी है, हमें उससे हथियार बनाने चाहिए। कुछ समय बाद कैनन लोहा लाने के लिए पानी में कूदा। फ्रेया और उल्फ्रिक बाहर ही रुके थे, पर पानी से बाहर आने पर उसे उल्फ्रिक बेहोश हालत में मिला और फ्रेया भी वहाँ पर नहीं थी। वो दोनों वापस कबीले में लौट आए। लोहार ने स्पेसशिप के लोहे से तलवार बनाई। वो तीनों ड्रैगन की गुफा में चले गए। वहीं पर लाशों के ढेर में फ्रेया लेटी हुई थी। ड्रैगन अब उसे भी मारने ही वाला था, तभी कैनन और उल्फ्रिक की आवाज सुनकर वो रुक गया। ड्रैगन ने तीनों पर हमला कर दिया। कैनन अपनी नई तलवार से ड्रैगन को लिटाने में कामयाब हो गया, पर इस लड़ाई में लोहार चल बसा। अचानक से फ्रेया जोर जोर से गला फाड़ने लगी। उसके सामने ड्रैगन उसकी मौत बनकर बढ़ रहा था। फ्रेया की जान खतरे में देखकर कैनन भी उस ओर निकल पड़ा। उसने एक ही वार में ड्रैगन की मुंडी धड़ से अलग कर दी। इस लड़ाई में हुए ध्वनि प्रदूषण के कारण दूसरा ड्रैगन भी उनके सामने आ गया। उसे देखकर तीनों पतली गली पकड़कर भाग गए। भागते भागते वो एक खाई के कोने पर आ पहुंचे। कैनन फ्रेया को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी ड्रैगन ने उल्फ्रिक को दबोच लिया। इस हमले में उल्फ्रिक अधमरा हो गया। अब कैनन ड्रैगन को मारने के लिए बेताब था। उसे अपनी तलवार में ड्रैगन की धधकती आंखें नजर आई। उसने एक पल का भी समय गवाए बिना ड्रैगन पर पलटवार कर दिया। फ्रेया और कैनन मिलकर उस ड्रैगन से लड़े। उन्होंने ड्रैगन की डेड बॉडी झरने में फेंक दी। अधमरा उल्फ्रिक पूरा मरने को आया था। उसने अपने सरदार का मान चिन्ह कैनन को देते हुए कहा, अब तुम ही इस कबीले के सरदार हो। इसके बाद कैनन और फ्रेया शादी करके एक साथ रहने लगे और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।